एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यू are आर well. here, my यू आर न्यू Dubey. ऑन स्किन केयर हेयर केयर मेकअप फैशन एंड लाइफ स्टाइल सो I'm बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो एंड टूडे आम going टू रिव्यू स्किन केयर प्रोडक्ट विच इज a एसिड acid फ्रॉम from Ponds. Yes इस तो लास्ट टू लास्ट मंथ मैंने Ponds के कुछ प्रोडक्ट मंगवाए थे जिनका हॉल वीडियो शेयर किया था उस टाइम मैंने इनके बारे में ज्यादा बात नहीं की थी क्योंकि इनको मैंने उस टाइम दो या तीन बार ही यूज किया था बट उस वीडियो के नीचे मुझे कई सारे कॉमेंट रिसीव हुए कि इन

क्वांटिटी एंड इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो टू ईयर्स की है ये आपको कुछ इस तरह के कार्डबोर्ड की आउटर पैकेजिंग में रिसीव होगा और इसकी जो इनर पैकेजिंग है वो इस तरह की ग्लास बॉटल है विद ड्रॉपर जिससे डिस्पेंस काफी ज्यादा आसान हो जाता है सारी की सारी डिटेल्स आपको इसके आउटर पैकेजिंग एंड इसके इनर पैकेजिंग दोनों के ऊपर मिल जाएगी लाइक like इसकी इनग्रीडियंट लिस्ट मैनुफैक्चरिंग डेट इसको कैसे यूज करना है एवरीथिंग बात करूं अगर मैं इसके मेन इनग्रीडियंट की तो इसमें टू परसेंट एसिड है वैसे ये हाइलेरॉनिक एसिड बेस्ड सेल्स ही है हाइलरॉनिक एसिड का काम होता है आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करके रखना जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो डीपली हाइड्रेट रहती है हाइलोरॉनिक एसिड बेसिकली एक ह्यूमिक्टिन का काम करता है जो भी वाटर है उसको स्किन में लॉक करके रखता है वाटर लेवल जो है उसको मेंटेन करके रखता है ठीक है अगर आप रेगुलर हाइलोरॉनिक एसिड यूज करते हैं तो आपकी स्किन एक तो डीपली हाइड्रेट रहेगी ही रहेगी दूसरा आपकी स्किन काफी ज्यादा सॉफ्ट दिखेगी प्लम दिखेगी एंड जो स्किन में इलास्टिसिटी होती है है। उसको यह मेंटेन करने का काम करता है आपकी स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है आपकी स्किन में अगर मॉइस्चर लॉस हो गया है तो उसको यह धीरे धीरे ठीक करता है बाकी अब जैसा कि मैंने बताया कि आपकी स्किन प्लम यूथफुल दिखेगी ही दिखेगी प्लस इसमें नायासेनामाइट भी है जो कि आपकी स्किन में अगर एक्सेस सीबम प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको कंट्रोल करता है ओपन लार्ज पोर्स हैं तो उसको टाइटन अप करने का काम करता है एंड अगर आप नायासेनामाइट को रेगुलर बेस पर यूज करते हैं है, तो आपकी स्किन को ये ब्राइटन अप भी करता है स्किन में अगर हल्के फुल्के डार्क स्पॉट है पिगमेंटेशन है स्किन बहुत ज़्यादा अनिमिन दिखती है तो उसको भी रिड्यूस करता है ठीक है और अब बात कर लेते हैं इसके कलर कंसिस्टेंसी टेक्सचर वगैरह के बारे में तो इसका जो कलर है वो बिल्कुल क्लियर कलर है हालिक एसिड सरम जो होता है वो ऐसे ही होता है प्लस ये काफी ज्यादा लाइट वेट है आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा लाइट वेट है ये सिरम बाकी के जो मैंने हालोरॉनिक एसिड सिरम यूज किए हैं वो थोड़ा सा मुझे हैवी फील होते हैं बट उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो हैवी हैं तो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं नहीं वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं और ये भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ठीक है ये आप देख सकते हैं बहुत ही जल्दी से विद इन सेकेंड ये एब्जॉर्ब हो जाता है इसको अप्लाई करने के बाद स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी दिखती है प्लस अगर मैं फ्रेगरेंस की बात करूँ तो इसमें एक माइल्ड सी फ्रेगरेंस है जो कि काफ़ी टिपिकल पॉन्ड्स वाली जो फ्रेगरेंस होती है जो अगर आपने इसकी मॉइस्चराइज़र वग़ैरह जेल वगैरह जो आते हैं यूज़ किए होंगे तो सेम वैसी ही फ्रेगरेंस है इसकी ठीक है अब बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है बहुत सारे लोग हालरोनिक एसिड सिरम को यूज़ कैसे करना है उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो मैं आपको बता दूँ इसको आप मॉर्निंग एंड नाइट दोनों में यूज़ कर सकते हैं बट आपको ये ध्यान रखना है कि इसको तब यूज़ करना है जब आपकी स्किन डैम हो पूरी तरह से ड्राई ना हो जैसे कि आपने फेस वॉश किया एंड हल्की सी स्किन डाम नहीं होती जब हम टावल से हल्का सा पैट कर लेते हैं तो स्किन हमारी भले ही वाटर नहीं रहता लेकिन डैम रहती है उसके बात आपको तुरंत इसको यूज करना है ड्राई स्किन पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है एंड जैसे ही आप इसको अप्लाई करेंगे उसके ऊपर आपको एक थिक मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करना है हायलॉनिक एसिड कभी भी ऐसे नहीं यूज़ करना है क्योंकि इसके पहले भी मैंने हायलॉनिक एसिड के कई सारे रिव्यू किए हैं जिसमें मैंने देखा है इस तरह के कमेंट आते हैं कि क्या इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र यूज़ करना ज़रूरी है हम तो ऐसे ही यूज़ कर रहे हैं नहीं बिल्कुल भी नहीं जैसा कि मैंने बोला इस ये एक ह्यूमिटिन का काम करता है अगर इसको बाहर से मॉइस्चर नहीं मिलेगा अगर बाहर से मॉइस्चराइज़र नहीं अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन का मॉइस्चर ये खींचने लगेगा तो इसके कौन बोले कि आपकी स्किन हाइड्रेटेड या प्लम रखेगी बल्कि आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी अगर आप मॉइस्चराइजर इसके ऊपर नहीं अप्लाई करेंगे तो इसको अप्लाई करना है डार्म स्किन पे एंड इसके ऊपर एक अच्छा सा थिक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है जो भी आपका स्किन टाइप हो आप आप अपने हिसाब से मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं एंड फिर मॉर्निंग अगर स्किन केयर रूटीन कर रहे हैं तो उसके बाद आपको सनस्क्रीन अप्लाई करनी है एंड अगर नाइट में यूज़ कर रहे हैं तो सनस्क्रीन को स्किप करना है तो आपको इसी तरह से यूज़ करना है ठीक है अच्छा जी तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी इस सेरम के बारे में फिर भी कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई कर दूँगी अब बात कर लेते हैं इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में तो प्रो की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा हालनिक एसिड सेरम है अफोर्डेबल है क्योंकि हाइरोनिक एसिड सेरम जो होते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं तो अगर आपको एक अफोर्डेबल हाइलेरॉनिक एसिड सेरम चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है कॉन्स की बात करें तो मुझे ऐसे इसमें कोई कॉन्स नज़र नहीं आया लेकिन येस इसमें फ्रेग्रेंस है पता नहीं क्यों मुझे स्किन केयर प्रोडक्ट में फ्रेग्रेंस उतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है अगर आपको फ्रेगरेंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हैं एंड अगर आपको फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है तो उसको स्किप आउट कर सकते हैं सो दैट्स इट फॉर टूडेज गाइज वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना शेयर कर देना चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना बगल में एक छोटा सा बेल बटन बना होगा उसे जरूर प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें मिलती हूं मैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय एंड Thank you.